दोस्तों देख सकते हैं बसंत की चांद रात है आज और हमारे भाई लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं पतंग को लूटने की। एक बार हाय कहते हैं कैमरे में। ये हमारे भाई देख सकते हैं रात के लिए लेकर आए हैं पीली पतंग, क्योंकि इनका कहना है कि रात में पीली पतंग ही चमकती है। और आज की रात ये ना पतंग के साथ अपने आईफोन को भी उड़ाने वाले हैं। दोस्तों देख सकते हैं आज है बसंत चांद रात और मैं मेरठ से बात कर रहा हूं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, ये त्योहार यहाँ पे हर एक भाई मिलजुल कर मनाता है। और अभी तो रात है, रात में देख सकते हैं मेरे पीछे कितना ज्यादा क्राउड है और कैसा लोग धूमधाम से इस त्योहार को मनाते हैं। बाकी ये सोचिए मॉर्निंग में क्या आलम होने वाला है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पे बने रहिए क्योंकि अभी मॉर्निंग भी बाकी है। हम लोग बात करेंगे आपसे एक मेड़ में शाही त्योहार की, इसका नाम है बसंत पंचमी। एक और नई सुबह, एक और नया दिन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज देख सकते हैं बसंत का दिन है और मेड़ के अंदर कितनी शिद्दत से ये लोग बसंत को मना रहे हैं। रात आपने देखा था तैयारी कितनी जोरदार थी और आप देख सकते हैं सुबह ही सब लोग अपनी छतों पे एंजॉय कर रहे हैं। तो आज इनसे पूछते हैं कि भाई बसंत पे ऐसा क्या होता है, क्या बसंत पे एंजॉय करते हैं। तो आइए यहाँ कुछ लोग हैं मेरे पास, इनसे बात करके आपको बताते हैं कि मेरठ में ऐसा बसंत क्यों बनता है। तो चलिए अभी मेरे पास भाई बिलाल हैं, इनसे पूछते हैं कि भाई मेरठ में इतनी शिद्दत से बसंत क्यों मनाया जाता है। मैं तो बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ बसंत बनाते हुए, सब लोग बनाते हैं तो हम भी बनाते हैं, तो ये तो हमारे बड़ों को पता होगा कि क्यों मनाते हैं। मतलब यहाँ नहीं पता कि भाई बसंत क्यों मनाते हैं, लेकिन सब एक साथ खुशी में शामिल होते हैं। तो चलिए और किसी से बात कर देते हैं। थैंक यू भाई। अभी हमारे पास अरबाज भाई हैं, देख सकते हैं इनकी पतंग, एक बार दिखा दे कैमरा मैन कितनी दूर भाई ने पार कर रखी है। और अरबाज भाई से बात करते हैं कि पतंग में क्या मजा आता है आपको। भाई बहुत मजा आता है, टाइम पास करते हैं बस, इंजॉय करते हैं इस दिन को। अरबाज भाई कह रहे भाई एंजॉय करते हैं, मजा बहुत आता है। एक बार पतंग दिखाई कैमरा घुमा के। हमारे सामने कुछ स्टूडेंट्स भी हैं और इनसे पूछते हैं ये बसंत क्यों इतनी शिद्दत से मनाते हैं। हम तो अपने दोस्तों की पतंग काटने के लिए और उन्हें किलसाने के लिए उड़वाते हैं पतंग। अरे भाई मतलब ये कह रहे हैं कि दोस्तों को किलसाने के लिए और उनको चढ़ाने के लिए हम लोग पतंगबाजी करते हैं, तो मजा आता है आपको पतंग उड़ाने में। जी बहुत मजा आता है पतंग उड़ाने में। एक बार हाई कर दो कैमरे में। यहाँ पे हमारे पास कुछ और लोग हैं जो पतंगबाजी नहीं कर रहे, लेकिन इनसे पूछते हैं ये छत पे आए क्यों हैं। बस इनका काम करना है बिचारों को, गरीब हमारे आगे हैं, थोड़ा इनका मंजा अंजा बांध देते हैं हम और हुक्का हुक्का किस्मत और बांध देना भाई। अच्छा मतलब हमारे कुछ भाई यहाँ पे पतंगबाजियों की जो हेल्प भी कर रहे हैं, जैसे ये भाई हैं ये सबकी हेल्प कर रहे हैं, तो कितने ज्यादा इनकी दोस्ती है आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से, शानदार तरीके से मेरठ का बसंत मनता है। चलिए अब आपको एक और चीज़ दिखाते हैं, जब यहाँ पर सामने वाली पार्टी की ये लोग पतंग को काट देते हैं तो उसको किस तरीके से चिढ़ाते हैं। एक बार आप इन सबका जोश ज़रूर देखिए, मज़ा आ जाएगा। पतंग से पतंग कैसे उलझाते हैं हमारे आरिफ भाई जैसी को। दोस्तों बसंत है और हम पतंग ना उड़ाएं तो ऐसा हो सकता है क्या। भले ही मुझे ना आती हो लेकिन पार किसी और से करा दी और अब उसको उड़ा के मजे थोड़ा सा हम भी लेते हैं। दोस्तों दोपहर हो चुकी है और थोड़ा खाना पीना तो बनता है, तो अभी हम लोग थोड़ी सी यहाँ पे छत पे ही एक गेट टुगेदर पार्टी वगैरह कर रहे हैं, जहाँ पे कुछ भाई बिरयानी, कुछ भाई ताहिरी, कुछ भाई बहुत सारे भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ लेकर आए हैं, तो उसको एंजॉय करते हैं क्योंकि अभी रात बाकी है और बात बाकी है। देखते रहिए आगे और कितना मज़ा आता है, कैसे बसंत को रुखसत करते हैं।
दोस्तों ये शान है हमारे मेरठ की, आप देख सकते हैं रात होते ही कितने शानदार पटाखे यहाँ पे लोग फोड़ रहे हैं, यानी बसंत को कितने शानदार तरीके से रुखसत कर रहे हैं। अगर आपके शहर में भी इस तरीके से बसंत मनाया जाता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और देख सकते हैं स्काई लालटेन्स भी हमारे सामने यहाँ पे अब आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, अब हम भी बसंत को अच्छे तरीके से रुखसत करते हैं, कुछ स्काई लालटेन्स हमारे पास है तो आइए उनको साथ में जलाते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि आज हम लोगों ने मेरठ के अंदर किस तरीके से बसंत को सेलिब्रेट करा, किस तरीके से लोगों ने एंजॉय करा, दोस्तों के साथ मस्ती करी, लंच पार्टी करी, और अब बारी है बसंत को रुखसत कहने की। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग एक कंडील जला रहे हैं और इस कंडील को जला के हम लोग बसंत को टाटा बाय बाय बोलने वाले हैं एक साल के लिए। तो आप सब भी हमें सपोर्ट करिए, साथ दीजिए बसंत को रुखसत कहने के लिए। आपने देखा कि लोग अभी और साथ में हम लोग भी यहाँ जलते जलते बच गए हैं कंडील से, लेकिन हम लोग हार नहीं मानेंगे, आज कंडील को उड़ा के ही लेनी है। तो अब देख सकते हैं दोस्त हमारे अंदर से एक और कंडील लेकर आ गए हैं, मतलब कह रहे हैं कि हार नहीं मानेंगे भाई, छोड़नी है आज कुछ भी हो जाए। तो देखते हैं कितनी देर में ये छुट्टी है। दोस्तों हार नहीं माननी है, कोशिश करते रही है और आज इसको उड़ा के ही छोड़ेंगे। दोस्तों कोशिश हो रही है, बाकी देखते हैं। गई 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 भाई, बच गई। अच्छा अच्छा अच्छा, पकड़ो 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 भाई, लड़के हार नहीं मानेंगे, दिखाते रहिए। लेकिन ये शायद मेहनत हमारी, कैमरे में जल्दी भाग कर आओ और आगे दिखाओ वीडियो। लड़के छजे कूद कूद के जा रहे हैं। अरे दोस्तों फाइनली हमारी कैंडील उड़ चुकी है, आप देख सकते हैं मेहनत हमारी खाली नहीं गई, वसूल हो गई हम सबकी मेहनत। आप देख सकते हैं कितनी दूर चली गई है, गिरते गिरते भी हमारी कैंडील। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज पूरा व्लॉग देखकर मज़ा आया होगा। कुछ शिकायत करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स आप ही के लिए हैं, और सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा, ठीक है, और अभी कैंडील वाला पार्ट आप लोगों को कैसा लगा वो भी बताइए। तो कमेंट करके जो भी अच्छा लगा जो भी बुरा लगा सब कुछ बता दीजिए, और ऐसी ही व्लॉग मेरे देखते रहिए। और बाकी अब है कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने की। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, जो भी उस क्वेश्चंस के फर्स्ट कमेंट में सही आंसर देगा उसको मैं दूंगा 50 रुपीज़ का कैश प्राइज, जो अब तक मैं देता आ रहा हूँ। जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं आपसे अपने किसी नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट, शब्बा खैर।